नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में खेले गए मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी IPL के सबसे बड़े फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में ये मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जिस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों आपको बता दें जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन मैदान पे आए तो उन्होंने काफी सूझ भरी पारी खेली, लेकिन 26 रन बना के रोहित शर्मा आउट हो गए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन भी 26 रन बनाए। आपको बता दें कि डेवाल ब्रेसविस ने ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8 रन बना के आउट हो गए। वही दोस्तों इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार 68 रनों की पारी खेली, वही तिलक वर्मा शून्य पे आउट हो गए, जबकि किरण पोलार्ड भी 1 रन बिना खाता खोले आउट हो गए। आपको बता दें उन्हें वनिंदो हसरंगा ने LBW आउट किया। वहीं आर सिंह ने 6 रन, वहीं जयदेव उनाडकर ने 13 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें कि 6 विकेट गिरा के मुंबई इंडियंस ने 151 रन बनाए और 152 रनों का बेंगलोर के सामने लक्ष्य रखा। दोस्तों अगर हम बेंगलोर की बॉलिंग की बात करें तो आपको बता दें कि वनिंदो हसरंगा को 2 विकेट और हर्षल पटेल को भी 2 सफलताएं मिली, जबकि अमरदीप सिंह को 1 सफलता मिली। दोस्तों आपको बता दें कि 152 रनों का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर की शुरुआत काफी खराब, उनके कप्तान सिर्फ 16 रन बना के आउट हो गए। दोस्तों जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अनुज रावत और विराट कोहली ने काफी शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने धीमी लेकिन अच्छी पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट जाननी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।